अब हम जो आपके मैक्सवेल थर्ड और फोर्थ रिलेशन जो है उनको डिराइव करेंगे यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। ओके, थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल रिलेशंस। ओके, सबसे पहले हम थर्ड रिलेशन जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमने जनरल फॉर्म चेक किया था। जनरल फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था कि आपका जो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ओके, और यहाँ पर वाई आपका कांस्टेंट है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और यहाँ पर आपका एक्स कांस्टेंट है। सिमिलरली डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पर आपका वाई कांस्टेंट है, और डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई एक्स कांस्टेंट है। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, कुछ इस तरीके से आएगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एट कांस्टेंट वाई, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, सिमिलरली डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट, और डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट। ओके, सो यहाँ से अगर इन डिटर्मिनेट को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके, सो हमारे पास आएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट, माइनस ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट, और डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, यहाँ से चेक कीजिए, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट, और डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट। ओके, सिमिलरली माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई एट एक्स कॉन्स्टेंट, और डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एट वाई कॉन्स्टेंट। ओके, अब थर्ड जो रिलेशन है उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हो सकता है वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो कि x इज इक्वल टू s है आपका, और y इज इक्वल टू आपका क्या है, v है। अब यहां से अगर इनका वैल्यू पुट करेंगे s का और v का, देन देखिए हमारे पास क्या आएगा। x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा s एट v कॉन्स्टेंट, डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा v एट s कॉन्स्टेंट, माइनस ऑफ डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा s एट y कॉन्स्टेंट, y जहां पर आपका है v, ओके, और डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा v एट s कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, यहां से चेक करो, डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा v एट एस कॉन्स्टेंट। ओके, और यहां पर आपका हो जाता है डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एस एट वी कॉन्स्टेंट, माइनस ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट एस कॉन्स्टेंट, एंड डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा एस एट वी कॉन्स्टेंट। सो यहाँ से अगर आप चेक करो तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी जो है वो आपका वन हो जाता है, सिमिलरली डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा एस वन हो जाता है। अब यहाँ से अगर इस रिलेशन और इस रिलेशन को चेक करो तो हमें पता है एक्स जहाँ पर एस है, वाई आपका वी है, तो ये दोनों आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब हुआ कि दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स अगर आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एस का वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हो कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एस है वो आपका जीरो है, बिकॉज ये क्वांटिटी आपस में रिलेटेड ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। सो यहाँ से अगर चेक करें तो ये जो रिलेशन है यहाँ से डेल्टा वी और डेल्टा एस ये आपका जीरो हो जाता है। सिमिलरली यहाँ से चेक करोगे तो आपका डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वी जो है ये आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, ये टर्म इज इक्वल टू ये वाली टर्म बट नेगेटिव में होगी, तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस एट यहां पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी एट एस कांस्टेंट, बट यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, यहां पर एक नेगेटिव साइन के साथ। ओके, सो ये जो है ये आपका क्या आ जाता है, थर्ड रिलेशन आ जाता है। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है ये फाइंड आउट करना इजी है कंपेयर टू दिस क्वांटिटी। ओके, सो ये जो है हमारा क्या हो गया, थर्ड मैक्सवेल रिलेशन।
अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि जो आपका टेम्परेचर के साथ, जो प्रेशर के साथ जो एंट्रोपी का वेरिएशन है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके, कि एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। पिछले वाले केस में कॉन्स्टेंट प्रेशर था आई थिंक, बट यहां पर आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, सो प्रॉब्लम चेंज हो गया, ओके। सो वो किसके इक्वल होगी, एस कॉन्स्टेंट का मतलब है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस को और भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं एसेंट्रोपिक, एसेंट्रोपिक प्रोसेस, कि एसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ओके, उसका नेगेटिव ही आपका इक्वल होता है प्रेशर चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके, जो कि आपका क्या है नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स क्या बोल सकते हो कि आपका एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर आपका डिक्रीज होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके, और ये जो क्वांटिटी है ये डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी जो है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये आपका हो जाता है जो आपका मैक्सवेल थर्ड रिलेशन है वो। अब हम जो मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन है उसको डिराइव करेंगे, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो एक्स है यहां पर एस रखेंगे बट वाई की जगह आप रखोगे प्रेशर, ओके। सो अगर अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास देखिए ये जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर चेक करें, ओके। सो यहां पर हम लिखते हैं कि फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, सो यहां से हमारे पास आएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, आपका डेल्टा एस है और यहां पर कॉन्स्टेंट है प्रेशर, और डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एस कॉन्स्टेंट माइनस ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस एट पी कॉन्स्टेंट इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा पी एट एस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एट एस कॉन्स्टेंट और डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस एट पी कॉन्स्टेंट, ओके, माइनस ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एट एस कॉन्स्टेंट और डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एस एट पी कॉन्स्टेंट। सो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, ओके। सो हमने यहां पर लिया क्या है कि एक्स इज इक्वल टू तो आपका एस है बट वाई इज इक्वल टू आपका क्या है पी है, ओके। सो यहां से अगर हम डिस्कस करें तो आपका जो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी है या फिर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस है वो आपका जीरो होना चाहिए। सो अगर इस इक्वेशन से अगर आप चेक करो जो हमने सिंप्लीफाई किया है तो यहां से डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस ये आपका जीरो हो जाता है, ओके, इट मींस ये क्वांटिटी आपका जीरो। उसी तरीके से अगर यहां से डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी चेक करो तो ये आपका वन हो जाता है, ओके, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एस ये आपका वन हो जाता है, ओके, और अगर इस क्वांटिटी की तरफ देखो तो ये आपका क्या है, देखिए ये आपका वन हो जाता है, ये क्वांटिटी आपका देखिए क्या है कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ये आपका क्या है यहां पर जीरो है, सो ये जो क्वांटिटी है आपका जीरो हो जाता है, ओके। सो आपके पास बचा क्या, नेगेटिव की ये क्वांटिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये, ओके। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिलेशन क्या बचा कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एट एस कॉन्स्टेंट। सो ये जो है ये आपका क्या आ जाता है, फोर्थ मैक्सवेल्स रिलेशन, ओके। और यहां से आप क्या कह सकते हो कि किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में, ओके, या फिर किसी असेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर किसके इक्वल होता है, एक आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, या फिर बोल सकते हो एंट्रोपी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ओके। सो ये जो है ये आपका एक तरीके से फिजिकल इसका मीनिंग हो जाता है जो फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन है उसका, ओके।
सो इस तरीके से हमने जो फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन है उसको हमने डिराइव कर दिया. ओके सो थर्ड और फोर्थ जो दोनों रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पर डिराइव किए. ओके okay?